और आज से कल से कल से इस देश में आया हुआ हरेक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर, ये अधिकार हमने इनको दिया है। कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। मित्रों, 10 साल में हमने कई सारे रिफॉर्म किए हैं और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, 10 साल पहले मैं जब यूपी का इंचार्ज था 2014 में, सोशल मीडिया की ही मीट थी, इतनी बड़ी तो उस वक्त होती नहीं थी। आगरे में छोटा सा हॉल था, 300 सोशल मीडिया वॉलंटियर्स थे। सारे लोग कहते थे हमारे लिए फोन बड़ा महंगा पड़ता है और डेटा का रेट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सोशल मीडिया पर ज्यादा काम नहीं कर सकते। आज मैं आप सभी मेरे साइबर योद्धाओं को कहना चाहता हूं, आपके हाथ में आज मेक इन इंडिया का फोन है और सबसे सस्ते डाटा के साथ आप इंडिया की सक्सेस स्टोरी को दुनिया भर में पहुंचा रहे हो। ये डिजिटल क्रांति नरेंद्र मोदी जी ने लाई है। मित्रों, आज तेलंगाना की जनता ने फैसला एक प्रकार से तीन पार्टियों के सामने भाजपा का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी, टीआरएस और मजलिस। मगर मैं कहता हूं ये तीनों पार्टियों का एजेंडा एक ही है। मेरी बात ध्यान से सुनना, तीन पार्टियों के सामने तेलंगाना की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को चुनना है। एक कांग्रेस पार्टी, दो टीआरएस, तीसरा मजलिस। परंतु पार्टी कहने को तीन है मगर एजेंडा एक ही है। एक कांग्रेस और टीआरएस मजलिस के एजेंडे पे चलते हैं, मजलिस का एजेंडा लागू करता है। मुझे भाइयों और बहनों बताओ, हैदराबाद